Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग रिव्यूज क्यूब के सेकंड मिडिल लेयर कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन अप है, आप लोग उस पर क्लिक चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल लेयर में हमें ये जानना है कि हमारे पास इसकी 4 एज पीसेस को सेट करना होता है, बाकी सेंटर टू फर्स्ट लेयर की एज पीस हमारा ऑलरेडी सॉल्व रहता है. आप देख सकते हैं ग्रीन से ग्रीन, ऑरेंज टू ऑरेंज, ब्लू टू ब्लू एंड रेड टू रेड, ये हमारा ऑलरेडी मैच किया हुआ है. तो हमें अभी सिर्फ सॉल्व करना है यहाँ पे ब्लू टू रेड, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू ऑरेंज एंड ऑरेंज टू ब्लू, जो कि ऑलरेडी सॉल्व बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो चुका है. तो इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें जो भी एच पीस यहाँ पे आना है उसे बॉटम लेयर में लाना है. तो हमारे पास बॉटम लेयर पे ऑरेंज टू ग्रीन है, तो सबसे पहले हम लोग इसे इसके मिडिल लेयर में लाना सीखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कलर हमारे पास फेस पे होता है उसको उसके सेंटर पीस से मैच करना है. तो हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज है तो हम लोग पहले इसके ऑरेंज से इसे मैच करेंगे. ये ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया. अब इसके डाउन साइड कलर को देखना है, ये है ग्रीन. तो अब हमें ये देखना है कि ये एज पीस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आना है या राइट हैंड साइड में आना है. तो अभी हम देखते हैं ये है ऑरेंज ग्रीन, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आना है क्योंकि ऑरेंज ग्रीन यहाँ पे सेट होना है. तो इसको यहाँ पे सेट करने के लिए सिंपल एल्गोरिथम है जो कि हमें याद करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बॉटम लेयर को एक बार राइट हैंड साइड टर्न करना है. राइट हैंड साइड टर्न कर लेने के बाद हमें इसको यहां लाने के लिए हमें इसे यहां पे लाने के लिए इसे वन टाइम डाउन करना है. अगेन इसे वापस पुश लाना है, इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके रिवर्स पुश लाना है. इससे हम ये देखेंगे हमारा एक कॉर्नर पीस ये डिस्ट्रॉय हो गया. तो हम लोग जब जैसे फर्स्ट लेयर में सीखे थे इस एज पीस को सॉल्व कर कॉर्नर पीस सॉल्व करना, उसी तरह हम लोग इसको वापस से रिसॉल्व कर लेंगे. इसके लिए हमें इसे वापस से क्लॉक इधर लेफ्ट टर्न करना है, इसको वापस एंटी क्लॉक पर इसे रिवर्स पोजीशन पे. तो हम लोग ये देखेंगे हमारा ग्रीन टू ऑरेंज सॉल्व हो गया. अब हमारे पास आ रहा है रेड टू ब्लू. रेड टू ब्लू हमारा ऑलरेडी ये रेड टू रेड मैच किया हुआ है. तो अभी हमें ये देखना ये हमारे किस साइड जाना है. रेड टू ब्लू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आना है. लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बॉटम लेयर को राइट साइड टर्न करना है, इसके लेफ्ट फेस को क्लॉकवाइज टर्न करना है एंड वापस से रिवर्स पोजीशन करना है. अभी हमने इसे राइट टर्न किया था, अभी हम इसे लेफ्ट टर्न करेंगे. इसे क्लॉकवाइज करते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. तो एक कॉर्नर पे डिस्ट्रॉय होगा तो उसको वापस से सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट लेयर में सॉल्व करना सीखे थे. इसे राइट इधर टर्न करना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज, इसको वापस से राइट टर्न एंड इसे वापस से क्लॉकवाइज टर्न. तो हमारा ब्लू टू रेड भी सॉल्व हो गया. अब हमारे पास थर्ड पीस ये है ग्रीन टू ब्लू. ग्रीन टू ब्लू को सॉल्व करने के सबसे पहले इस कलर को इसके सेंटर पीस से मैच करना है. तो सेंटर पीस हमारा ग्रीन टू ग्रीन मैच हो गया. अभी हमें ये देखना है कि हमारा किस साइड में जाना है. ये हमारा जाना अगेन लेफ्ट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने के लिए इसे सबसे पहले हम लोग राइट टर्न करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, अगेन बॉटम लेयर को लेफ्ट टर्न करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले को वापस से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे. एंड अगेन ये कलर डिस्ट्रॉय हुआ, इसके लिए हम लोग जैसा फर्स्ट लेयर सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है. इसे लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज, राइट टर्न क्लॉकवाइज, इससे हमारा ये भी ये एच पी सॉल्व हो गया. तो अभी हम ये देखते हैं हमारा ऑल द 4 एच पी सॉल्व हो गया.